योगा आसन्स के बाद, हर सेशन के बाद आप आराम से बैठ जाएंगे मेडिटेशन के हालात में। मेडिटेशन के हालात में बैठ के जिस तरह की बताया था आपको कि या इस हालत में बैठें या फिर इस हालत में जो आपको इजी लगते हैं, और या फिर इस हालत में जो आपको इजी लगता है, हाथों की पोजीशन यूँ रखें तो बहुत बेहतर है, वरना मुद्रा की हालत में भी आप रख सकते हैं या फिर यूँ भी आप रख सकते हैं या फिर यूँ, जो आपको अच्छा लगे। हाथों का ये पोजीशन बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इस पोजीशन में मेरा अपना एक तजर्बा है कि हाथ जो होते हैं वो सैटेलाइट की तरह हैं, ये एनर्जी लेता भी है देता भी है। तो हाथ को यूँ जिस तरह दुआ हम करते हैं तो भी हाथ हम यूँ फैलाते हैं, दूसरे मज़हब वाले यूँ भी करते हैं, हाथ को यूँ भी फैलाते हैं। तो ये एक हाथ में कोई ख़ास बात है, हम हाथ को क्यों यूँ नहीं करते हैं, यूँ क्यों करते हैं, कोई ख़ास बात ज़रूर है। तो मैंने आजमाए हैं, इसमें मेरा तजर्बा है, इसमें बहुत से एनर्जीज महसूस होते हैं। और इस हालत में बैठकर आप एक झील की शक्ल यानी आप एक ट्रायंगल की शक्ल में बैठ गए। ये देखें ट्रायंगल में है, ये आपके ट्रायंगल में है, और ट्रायंगल का अपना एक एनर्जी होती है, एनर्जी आते हैं। आप मेडिटेशन के हालत में बैठ जाएंगे और एक खूबसूरत मंज़र को तसव्वुर करेंगे, आंखें बंद करके चंद गहरी सांस लेकर उसके बाद आरामदेह हालत में आप बैठ के कमर गर्दन सीधा है और आप एक खूबसूरत मंज़र का तसव्वुर करें। या एक खूबसूरत दुनिया का तसव्वुर करें और इस हालत में 2 से 3 मिनट तक आप बैठ जाएं, ऐसा ऐसा इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, ऐसा ऐसा आप इसको 10 से 20 मिनट, 20 से आधे घंटे, लेकिन अभी आप 2 से 5 मिनट तक आप इस हालत में बैठ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इस पर इजाफा करते रहें ताकि आप आदी हो जाएं इस हालत में। और ये मेडिटेशन के फ़ायदे जो है, हज़ारों फ़ायदे हैं जिसको मैं आपको अगले प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। और आए अब हम मेडिटेशन का आगाज़ करेंगे और आप मेरे साथ बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, आंखें बंद कर लें और जाएं किसी खूबसूरत दुनिया में, किसी खूबसूरत मनाजर में या किसी रूहानी प्लेस में या किसी रूहानी दुनिया में वो तसव्वुर करें।